हाय एवरीवन। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट पे जो बेसिकली हमने डिज़ाइन किया है एक मुंबई बेस्ड फर्म के लिए। कंपनी का नाम है DNS मैरीटाइम सर्विसेज LLP, एज यू कैन सी इन द हेडर। सो बेसिकली ये कंपनी जो मैरीटाइम से आप समझ पा रहे होंगे, जो मैरीन पर चलने वाले जो जो बेसिकली शिप्स होते हैं, उन शिप्स में डेली नीड और बेसिक्स जो नीड्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है शिप्स की, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सो बेसिकली मैं एक वे में आपको समझाता हूँ। सो फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज मुझे कुछ रिक्वायरमेंट की है। सपोज एक शिप है और उस शिप में, उस कंपनी का नाम है सपोज स्मार्ट आई टी बॉक्स, है ना। हमने सॉरी, जो सप्लायर का नाम होगा वो स्मार्ट आई टी बॉक्स होगा और कंपनी का नाम है, उसको हम एक डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर से ले लेंगे। सो दैट की शिप 1001 करके लिया हमने, डेट हमने मेंशन कर दी एंड कॉन्टैक्ट पर्सन मैं हमने डिफाइन कर दिया कि जो ये बेसिकली बात करेंगे प्रदीप कुमार, राइट। सो बेसिकली प्रदीप कुमार कौन है? ये कॉन्टैक्ट पर्सन है बेसिकली, जो एक इंक्वायरी मांग रहा है किन के लिए, एक शिप नंबर 101 के रेफरेंस में स्मार्ट आईटी बॉक्स एक रिक्वायरमेंट मांग रहा है। लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक लिस्ट है। सो बेसिकली शिप्स में क्या होता है कि 6 6 महीने शिप्स चलती हैं कंटिन्यूसली या 3 3 महीने चलती हैं, तो उनको वो बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए जो सामान चाहिए होता है, वो जब एट द टाइम ऑफ जब शिप मूव करता है अपने डेस्टिनेशन की तरफ, सो बेसिकली वो पहले रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मुझे एक शिप से ये रिक्वायरमेंट आई है, मैंने यहाँ तक इस रिक्वायरमेंट को सीधा सीधा कॉपी कर लिया, सो दैट कि मुझे टाइप ना करना पड़े, राइट गाइस। सो मैं बेसिकली मैंने ओपन किया और जस्ट मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आपने देखा जैसे मैंने इस रिक्वायरमेंट को पेस्ट किया, तो मेरे पास रिक्वायरमेंट आ गई, रेट और GST ब्लैंक है। सो अब यहाँ से बेसिकली एक पार्ट है जो बिजनेस का, या हम बात करें इस सिस्टम को ऑटोमेट करने का, वो यहाँ से शुरू होता है। सो बेसिकली DNS मैरीटाइम एक प्रोजेक्ट्स उठाती है इस तरह के, बट दे आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर और द वेयर हाउस होल्डर्स। सो बेसिकली क्या करेंगे, इस रिक्वायरमेंट को एक कंपनी या मल्टीपल कंपनीज कैन बी देयर जो इनको मटेरियल सप्लाई करती हैं। तो स्मार्ट आईटी बॉक्स बेसिकली सपोज ये एक डमी कंपनी हमने बना ली, तो ये मटेरियल सप्लाई करेंगे किनको, DNS मैरीटाइम को। सो बेसिकली ये मटेरियल आ गया हमारे पास यहाँ पे, एंड मैंने इनका रिक्वायरमेंट रेज कर दी है कि मुझे इस मटेरियल का प्राइस क्या रहेगा और उस पर कितना GST एप्लीकेबल होगा, इसका डेटा मुझे या मुझे इसका कोटेशन शेयर करो। ये DNS मैरीटाइम कह रहे हैं स्मार्ट आईटी बॉक्स से, राइट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शिप 1001। सो बेसिकली मैंने जैसे इसको सेव किया, तो मैं आपको दिखाऊंगा जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो एक ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट होगा, एक ईमेल शूट होगा टू दी स्मार्ट आईटी बॉक्स और एक व्हाट्सएप शूट होगा टू दी स्मार्ट आईटी बॉक्स। तो अभी मैं आपको दोनों ही दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करेगा। तो अभी के मैंने जो मोबाइल नंबर एंटर किया हुआ है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो हमने मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ सर्वर से, उस तरह मुझे एक रिक्वायरमेंट आ गई, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड द बेस्ट प्राइस लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मेंशन बिलो, क्लिक ऑन द गिवन लिंक ऑन द अपडेट फॉर द अपडेट प्राइसिंग। सो बेसिकली इस तरह का नोटिफिकेशन स्मार्ट आईटी बॉक्स को आ गया ऑन व्हाट्सएप। एंड अभी चलते हैं ऑन ईमेल। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि सप्लायर मास्टर में जो कंपनी का नाम मैंने डिफाइन किया हुआ स्मार्ट आईटी बॉक्स, उसका ईमेल आईडी है CEO@smartitbox.in। तो हम एक बार इस आईडी पे चलते हैं, CEO@ पे, एंड लेट सी कि किस तरह का एक मेल आया है। सो हमने इसको रिफ्रेश किया, जस्ट अ सेकेंड। सो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एक इस तरह का मेल आ गया है। व्हेन आई क्लिक ऑन इट, तो आप देख पाएंगे इंक्वायरी नंबर स्मार्ट आईटी बॉक्स शिप 1001, ये एक रेफरेंस नंबर गया हुआ है बेसिकली, जिससे इसको कोई मैटर नहीं करता है। मैं बेसिकली इस PDF सॉरी एक्सेल को ओपन करूंगा, देख पाएंगे कि जो भी हमने PDF सॉरी जो डेटा फिल किया था, उसका एक इस तरह का एक ऑटोमेटिकली एक्सेल फाइल जनरेट हो गई है और क्लाइंट को चली गई है, जो बेसिकली मटेरियल सप्लाई करेंगे। आप जो सप्लायर है उसको कोई सेपरेट शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है या एक्सेल की फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट यहाँ पर ही इमीडिएटली प्राइसिंग डिफाइन कर देगा। तो अभी केस में मैं जल्दी से जल्दी करने के लिए एक रैंड बिटवीन का नंबर ले लेता हूँ, सो दैट कि 8 से लेकर 20 के बीच में इसका हम एक प्राइस फिक्स कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा उसने प्राइसिंग डिफाइन कर दिया, एंड इमीडिएटली हम यहाँ पर एक रैंड बिटवीन का फंक्शन ले लेते हैं
जिसमें हम 5% से लेकर सॉरी 12% तक की रेंज डिफाइन कर देंगे, 5 से लेकर 12। तो ये हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया, मैं इस फॉर्मेट में ले लेता हूँ। ओके 5%, ओके 12। अब मैं यहाँ पे रेंट बिटवीन लगा लेता हूँ। तो बेसिकली ये वन टाइम प्रैक्टिस है, मैंने फॉर्मेट में सेट नहीं किया इसलिए ऐसा आ रहा है, बट यहाँ पे डोर को सेट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी जब हम इसको फिक्स कर देंगे। तो बारह आठ, तो बेसिकली इस तरह करके मैंने रैंडम 3 फिगर्स उठा ली हैं एंड मैं इसको बेसिकली ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक। ओ 5 12 इसमें 18 6 और इसको 5 ही ले लेते हैं। ये हमने इसको ड्रैग कर दिया एंड लास्ट में हमने इसको ब्लैंक कर दिया। सो बेसिकली इसके ऊपर कोई फिगर नहीं लगेगी, बट हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं सो दैट कि जो प्राइसिंग है वो क्वांटिटी से मल्टीप्लीकेशन करेगा बट उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट, नीचे चलते हैं तो आप देख पाएंगे इमीडिएटली सिस्टम ने ये भी बता दिया कि 5% के जीएसटी स्लैब में आने वाले कितने अमाउंट आ रहा है, 6%, 12% और 18% में। अगर जो सप्लायर है वो कहता है कि इसके ऊपर कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे तो वो टाइप भी कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और अगर लगता है कि उसको नहीं लगेगा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो वो हटा सकता है इसको। तो इस तरह करके हमारी एक ये जो डेटा था सप्लायर के एंड से वो सबमिट हो गया है एंड बेसिकली जस्ट सप्लायर क्या करेगा इस पे ही रिप्लाई कर देगा। प्राइस अपडेटेड, राइट। तो बेसिकली ये मेल चलेगी, वापस चलते हैं अपने सिस्टम पे। तो बेसिकली ये हमारा सिस्टम है। सो सपोज हम अगर मेल में चेक करेंगे तो हमें भी एक यहाँ पे नोटिफिकेशन जो हमें बेसिकली आया है जिस क्लाइंट जो सप्लायर था उसने हमें नोटिफाई किया है, तो हमारे को यहाँ पर भी इनबॉक्स आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे इस तरह हमारे को आ गया प्राइस अपडेटेड। तो अब बेसिकली जब मैंने उनसे प्राइस मांगा था तब मुझे चेक भी करना है कि उन्होंने बेसिकली क्या प्राइस ऑफर किया है। तो मुझे जस्ट यहाँ पे इंक्वायरी नंबर सेलेक्ट करना है और आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा डेटा रिट्रीव होकर आपके सामने आ जाएगा। राइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली सारा डेटा रिट्रीव होकर आ गया जिसमें क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। वहीं अगर मैं वापस चलता हूँ उस सिस्टम पे और आपको ये दिखाता हूँ कि जो एंड यूज़र है जो बेसिकली सबमिट करता है तो वो तो बेसिकली कुछ भी डिलीट कर सकता है या ऐड कर सकता है शीट से। तो मैं आपको बता दूँ जो मैंने ग्रीन पार्ट किया हुआ है जो एंड यूज़र है वो जस्ट ग्रीन पार्ट को ही चेंजेस उसमें फिगर डाल सकता है। इसके अलावा अगर वो कहीं पर भी कुछ भी चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं कुछ भी चेंज करने की कहीं भी कोशिश कर रहा हूँ, राइट, तो चेंज नहीं होगा। तो ये प्रोटेक्टेड शीट है। सो जस्ट जो सप्लायर है वो जस्ट ग्रीन वाला जो हमने हाईलाइटेड किया उसमें ही फिगर्स अपडेट कर सकता है। राइट सर, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे सो दैट कि मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस भी इसका दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे देखा कि इसने प्राइसिंग डिफाइन कर दी एंड आप कह रहे हो कि हाँ चलो अब हम इसको मूव कराएंगे फॉर दी नेक्स्ट प्रोसेस। मैंने इसको नल कर दिया सो दैट कि मैं एक सेकेंड कोटेशन इसका या इंक्वायरी रेज कर पाऊँ। तो इंक्वायरी नंबर 109 का हमारे को प्राइस मिल गया एंड नाउ लेट्स मूव टू द रिकॉर्ड्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब इंक्वायरी नंबर 1 जो आया है हमारे पास, उस इंक्वायरी नंबर 1 में हमने क्या किया, हमारे पास इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन पंच होकर आ गया। नाउ मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि लाइक जो ये इंक्वायरी है जो हमने यहाँ पे अपडेट की है, अब इस इंक्वायरी का अगर हमारे पास डेटा आ गया है तो लेट्स डू वन थिंग। मैंने इसको रिकॉल जब किया है ये मैंने रिकॉल किया, रिकॉल करके मैंने कहा कि ठीक है अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमें यही प्राइस चाहिए था सपोज, तो हमने इसको सेव कर लिया। अगर हम इसको सेव करेंगे तो डेटा हमारा है अपडेट हो जाएगा। ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, राइट। सो बेसिकली अब इस पार्ट में होगा क्या, जैसे कि आपने देखा कि हमने फर्स्ट टाइम पे जब रिकॉल किया था तो फर्स्ट टाइम पे रिकॉल करने के बाद हमारे को डेटा यहाँ पे दिख रहा था, तो सेकेंड टाइम पे हमने रिकॉल किया तो सेकेंड टाइम पे भी इसको एक ऑटोमेटेड ईमेल
शूट हुआ है जब हमने कहा कि हाँ ये प्रोसेस या ये डेटा बिल्कुल करेक्ट है। एक बार अगर हम पीडीएफ फाइल पे चलते हैं तो बेसिकली होना क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे पीडीएफ रिकॉर्ड्स पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का हमारे को पीडीएफ रिकॉर्ड जनरेट होके आ जाता है, सो दैट कि हमें ये दिखाता है कि ओवरऑल किस प्राइसिंग पे हमारी बात हुई है क्लाइंट के साथ। सेकेंडली इसमें दोनों ऑप्शन हमने दिए हुए हैं, तो अगर आप कहते हैं कि हमारे को स्मार्ट आईटी बॉक्स जो सप्लायर है इसकी तरफ से प्राइसिंग आ गई है, तो जो मैंने ये दोबारा सेव किया था रिकॉर्ड को, मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं जस्ट जो क्लाइंट है हमारा, इससे ये जो एडिट के राइट है इस शेयर के, मैं जस्ट अनशेयर क्लिक कर दूंगा इस फाइल पे, एंड यू कैन सी इमिडिएटली ये उस आईडी पे जो हमने एडिट राइट्स दिए थे उस फाइल पे प्राइसिंग डिफाइन करने के, वो राइट्स उसके हट गए हैं, राइट। तो ऑल राइट रिवोक्स फ्रॉम द सप्लायर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अगर मैं वापस चलता हूँ सप्लायर के मेल पर और मैं सप्लायर वापस सपोज इस फाइल को एक्सेस करेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, जो 101 फाइल है उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। जस्ट अ सेकेंड, तो बेसिकली ये अभी अपडेट नहीं हुआ, बट अभी क्या होगा, बेसिकली ये जो डूअर है इस फाइल को, इसको एक्सेस नहीं कर पाया क्योंकि हमने उसके यहाँ से एक्सेस राइट्स जो हैं वो रिवोक कर दिया है, तो यहाँ पर जो डूअर है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा इस पर्टिकुलर फाइल को। नाउ अगर हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट सिस्टम, सो बेसिकली सपोज ए क्लाइंट या इंक्वायरी नंबर है 109, वहीं सिमिलरली अब चलते हैं अगर 109 के रेफरेंस में हमें पता है कि इसका प्राइसिंग आ गया है, नाउ हमें इसका कोड बनाना है और जिस क्लाइंट ने हमसे इंक्वायरी पूछी थी उसको शेयर करना है। तो मैंने जस्ट डेटा को रिकॉल किया और आप देखेंगे सारा डेटा प्रॉपरली जो हमने कोटेशन में मंगाया था बिल्कुल ही प्रीफिक्स्ड होकर यहाँ पे हमारे को मिल गया है। जस्ट मुझे सेलेक्ट करना है सप्लायर का नाम, तो सपोज हम जिस क्लाइंट को मटेरियल सप्लाई करेंगे उसका बायर का कंपनी का नाम है स्मार्ट आईटी बॉक्स डेवलपर्स LLP करके, है ना। तो एक उस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे आ गई। नाउ अगर मैं कहता हूँ कि ये तो मैं जो जितना भी फिगर निकल के आ रहा है ये तो बेसिकली उस क्लाइंट का है, सप्लायर का है जिसने हमें कोट किया है, बट आई वॉन्ट एटलीस्ट मार्जिन ऑफ 25% ऑन ऑल दी आइटम्स, तो मैं जस्ट 25 यहाँ पे एंटर करूँगा और जस्ट क्लिक ऑन दी कैलकुलेट मार्जिन, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो GST है और अदर जो प्राइजेस हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए हैं इसके और यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। बट इफ़ इन एनी केस आपको लगता है कि कोई आर्टिकल ऐसा है जिस पर मार्जिन आपने 20% तो 25% सेट किया है बट आपको मार्जिन उसमें जेनुअनली नहीं मिल रहा है, तो आप उसको 30% या 35% भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने एक को 20% कर दिया और एक को 40% कर दिया, एंड जस्ट अगेन क्लिक ऑन दी कैलकुलेट मार्जिन, तो आप देखेंगे फिर से मेरा सारा मार्जिन पार्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा, राइट गाइज। सो बेसिकली ये ओवरऑल सिस्टम है इस तरह वर्क करेगा, बट इसमें एक प्रैक्टिस का फोकस रखना पड़ेगा हमारे को कि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, तो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन अपडेट करने में जो मार्जिन को हम कैलकुलेट करते हैं वो वन साइड ही कैलकुलेट, यानी वन टाइम ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, या करेंगे तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज जो कैलकुलेशन फिगर है वो हर बार चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चेंज करता हूँ इसको यहाँ पे, अगर मैं फिर से इसको रिट्रीव करूंगा तो मेरे पास एक्चुअली वो फिगर आ रही है जो मेरे को, मुझे क्लाइंट ने जो सप्लायर है उसने ऑफर किया हुआ है कि हम आपको ये मटेरियल इस प्राइस पे दे देंगे, राइट। अब मैं बेसिकली बात करता हूँ, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सपोज एंटर किया 12%, राइट, यहाँ पे मैंने एंटर किया 20%, राइट, इसमें एंटर किया 20%, तो बेसिकली मार्जिन में क्या होगा कि हमारे को एक फिगर निकल के आ जाएगी। अगर मैं अगर इस सबसे हटा देता हूँ तो ये जो जस्ट अ सेकेंड, सो बेसिकली इसमें हमने क्या किया है मैं आपको क्लियर करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे टोटल जो फिगर है वो बेसिकली इस सब टोटल के इक्वल में है, और पर केजी या पर यूनिट का जो प्राइस आ रहा है वो ये वाला प्राइस है। वहीं अगर मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कि मुझे अगर इसमें ओवरऑल 30% का मार्जिन चाहिए, मैंने क्लिक ऑन 30, तो आप देखेंगे 30% के मार्जिन के अकॉर्डिंग जो सब टोटल फिगर आएगी
उस पर्टिकुलर आर्टिकल की वो इतनी आएगी, और पर केजी या पर यूनिट का रेट जो रहेगा वो ये रहेगा, राइट। अब वहीं अगर हम बात करते हैं कि आप कहते हैं कि इसमें मुझे कम मार्जिन मिल रहा है, मुझे इसमें 45% करना है, तो आपको सिस्टम दिखा देगा कि अगर आप 45% करोगे तो पर यूनिट का रेट 23 रुपीज़ हो जाएगा, और सब टोटल फिगर जो है वो 2320 की फिगर हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हैं कि अगर आप जब ऑफर करेंगे सामने वाले को या अपने बायर को, तो क्या मार्जिन आपको ओवरऑल रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप फिगर कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्जिन कॉन्सेप्ट ऐसे काम करेगा, अगर आपने यहाँ पे 30% डाला हुआ है तो ओवरऑल 30% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेगा। बट वहीं अगर मार्जिन में पर्टिकुलरली आपने किसी एक आइटम को स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है, तो उसका सिर्फ वही मार्जिन सेट लेगा जितना आपने एम कॉलम में डाला हुआ है। तो जैसे कि अभी हमने इसमें 30% एंड रेस्ट में 3 में हमने चेंज किया हुआ है, वो करने के बाद अगर हम कैलकुलेट मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पर केजी का प्राइस था और टोटल यूनिट था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, तो उसके ही अकॉर्डिंगली आपका जो रेस्ट फिगर है वो वैसे ही जनरेट होकर आ रही है इसमें। तो गाइस अब इसी में हम आगे चलते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2320 का सब टोटल हो गया, 5% जीएसटी, 116 रुपये टोटल मिला के 2426 36 रुपये की कॉस्ट आएगी इस अनियन रेड बिग साइज़ में। तो ये आपकी ओवरऑल फिगर जनरेट हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी क्लाइंट को जिसने इंक्वायरी मांगी थी आपसे या कोटेशन मांगा था, आपने ये डिफाइन किया एंड जस्ट क्लिक ऑन टू सेव, तो अब बेसिकली क्या होगा, जब आप इस पे सेव पे क्लिक करेंगे तो डेटा इसका रिकॉर्ड जनरेट होगा और अकाउंट स्ट्रीम में इसका ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाएगा और क्लाइंट को भी इसका ईमेल चला जाएगा। रेस्ट अकाउंट टीम और क्लाइंट्स कैसे आपस में कैलकुलेट करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे वो उनका फर्दर प्रोसेस रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर डन हो गया और ये प्रॉपरली हमारे पास रिकॉर्ड जनरेट हो गया। तो आप देखेंगे 109 की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये हमारा एक आइटम है स्मार्ट आईटी बॉक्स से हमने इसको मंगाया था, जिसकी हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो आ रही थी वो अबाउट अबाउट 19,137 रुपये आ रही थी। बट हमने जब क्लाइंट को आगे जो बायर है हमारा, हमने उसको जो आगे ऑफर किया हुआ है उसकी कॉस्ट हमारी 26,131 रुपये आ रही है। तो आप देख पाएंगे कि बेसिकली किस कॉस्ट पे हमने क्लाइंट से मांगा उसका यहाँ पे हमारे पास कॉपी अटैच है, और हमने क्या कोट ऑफर किया है अपने क्लाइंट को उसका पीडीएफ भी यहाँ पे हमारे पास अटैच है। तो आप दोनों फिगर कभी भी चाहेंगे तो वो डेटा प्रॉपरली आप निकाल पाएंगे। सो ओवरऑल सिस्टम ये ऐसे एक्ट करता है, आप देख पाएंगे यहाँ पे इस तरह का ऑटोमेटिकली पीडीएफ जनरेट हो जाता है। सो आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ लाइक प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एज वेल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।